क्या आप भी अपनी हार्ट की हेल्थ को लेकर चिंतित रहते हैं? आजकल हमारे पास 30 से 40 साल की उम्र वाले युवाओं की बहुत क्वेरीज आती हैं कि उन्हें कोई दिल की बीमारी तो नहीं हो सकती या उन्हें एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत तो नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर आदित्य कुमार सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर, मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी, मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत। आज हम बात करेंगे कि दिल की जांचों से कैसे दिल के स्वास्थ्य के बारे में पता किया जा सकता है। हमसे सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, क्या बिना एंजियोग्राफी कराए भी हार्ट में ब्लॉकेजेस का पता चल सकता है? एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए लोगों शायद हॉस्पिटल में आना नहीं चाहते, और बिना भर्ती के अगर ये जाँच हो सकती है तो उनको उसमें ज़्यादा कम्फर्ट लगता है। तो बिल्कुल बिना भर्ती के भी, बिना एडमिट हुए एंजियोग्राफी के अलावा सीटी एंजियोग्राफी से भी दिल के नसों में ब्लॉकेजेस का पता चल जाता है। सीटी एंजियोग्राफी में एक नॉर्मल सीटी स्कैन की तरह आपको आना है, 10 मिनट में आपकी सीटी एंजियोग्राफी हो जाती है और उसमें आपको तीनों नसों में ब्लॉकेज का सही अंदाज़ा लग जाता है। दूसरा टेस्ट जो हार्ट का होता है उसको हम कैल्शियम स्कोरिंग कहते हैं, वो भी सीटी स्कैन ही है लेकिन उसमें कोई डाई नहीं दी जाती। हम उसमें ये नहीं देखना चाहते कि ब्लॉकेजेस कितने हैं, हम उसमें सिर्फ ये देखते हैं कि हार्ट पे कैल्शियम तो नहीं जमा है जिससे ब्लॉकेजेस होने की संभावना का पता चलता है। तो आपको कैल्शियम स्कोरिंग में बिना डाई दिए ये एक आइडिया लग जाता है कि आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस होने की संभावना है कि नहीं। कैल्शियम स्कोरिंग का टेस्ट सीटी स्कैन में आपको 5 से 10 सेकंड में ही बता देता है बिना किसी डाई के। एक और टेस्ट जो आजकल हार्ट के लिए हम करते हैं और जिसमें हार्ट की बहुत अच्छी स्थिति के बारे में पता चलता है, वो है रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन या जिसको थैलियम स्कैन कहते हैं। दूसरा होता है पेट MRI जिसमें हम हार्ट के फंक्शन के बारे में पता करते हैं। इन दोनों टेस्ट से हार्ट में खून की कमी हो रही है या नहीं ये हम पता कर सकते हैं। ब्लॉकेज कितना है ये नहीं दर्शाएगा, लेकिन खून की कमी की वजह से कितनी मांसपेशी दिल की कम काम कर रही है या डेड हो चुकी है ये इसको बहुत अच्छे से दर्शाता है। इससे हमें तीन चीज़ों का पता चल जाता है हार्ट की मांसपेशी के बारे में। ऐसा एरिया पता चल जाता है जिसमें कहीं कोई खून की दिक्कत नहीं है और नॉर्मल काम कर रही है। दूसरे उस एरिया का पता चलता है जो बिल्कुल डेड हो चुका और जिसमें खून दोबारा चालू करने से भी फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा जो हमें पता चल जाता है वो हिस्सा दिल का जहाँ पे खून की कमी की वजह से मांसपेशी पूरी तरीके से ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो मेनली ये एरिया वो है जिसको हम थेरेपी से टारगेट करते हैं कि स्टेंट करें या बाईपास करें, तो इस एरिया में उससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो इस तरीके से थैलियम स्कैन से हमें ये पता चल सकता है कि हमें कोई भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है भी या नहीं। तो अगर आप अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर चिंतित हैं तो अपने फिजिशियन या हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलें और इन टेस्ट के माध्यम से आप अपनी हार्ट हेल्थ का बेहतर ध्यान रख पाएंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.